अक्षय कुमार ने मूवी बना ली, मूवी थिएटर में भी लग गई, बट ये मूवी तो किसी बड़ी सिटी में बनी होगी ना, तो ये किसी छोटे टाउन के थिएटर में कैसे पहुंचती है? क्या मूवी मेकर्स सैटेलाइट के थ्रू मूवी को भेजते हैं, या फिर इसे नेट से डाउनलोड किया जाता है, या फिर कोई बंदा इसे हर थिएटर तक लेके जाता है? कुछ समझ नहीं आता। और मूवी की टिकट से मूवी का प्रोड्यूसर पैसा कमाता है, तो फिर ये थिएटर वाले कैसे पैसे कमाते हैं? यार इतने सारे डाउट्स, अब एक ही इंसान है जो मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। बड़े, वेयर आर यू? अरे भाई फिकर, जब बड़े जी है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपके भी यही सारे डाउट्स हैं? तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि मूवी किसी थिएटर तक कैसे पहुंचती है और प्रोजेक्टर में आने से पहले किन किन प्रोसेस से होके गुजरती है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं मूवी के बनने से। तो मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने कोई मूवी बनाई है और अब वो चाहता है कि ये मूवी देश भर के सारे थिएटर्स में लगे। इस काम के लिए वो जाएगा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जिनका बड़े या छोटे और सारे शहरों के थिएटर और मल्टीप्लेक्स से कनेक्शन होते हैं, और इनका काम कोई भी मूवी को सारे देश भर के थिएटर में लगाना होता है। जैसे कि कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 20th Century Fox, यशराज फिल्म्स, एरोस एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स। तो अब प्रोड्यूसर ने मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी और ये अभी से हर सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सभी में लगाएगा। तो यार, हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि मूवी को क्या सैटेलाइट के थ्रू भेजा जाएगा या नेट से डाउनलोड किया जाएगा, अगर देखा जाए तो दोनों चीजें नहीं होती हैं, बल्कि मूवी को एक फिजिकल फॉर्म में हर थिएटर में भेजा जाता है और इसे कहते हैं DCP, यानी कि डिजिटल सिनेमा पैकेज। तो सिंपली कहा जाए तो DCP एक हार्ड ड्राइव है जिसमें इमेज, मूवी और सबटाइटल्स होते हैं, और DCP एक यूनिवर्सल वे है मूवीज को भेजने का। वर्ल्ड वाइडली मूवीज DCP के थ्रू ही भेजी जाती हैं, और ये एक स्पेशल ब्रीफ केस में आती है जो कि यूजली ऑरेंज या येलो कलर का होता है। तो अब थिएटर्स को पर्टिकुलर मूवी की हार्ड ड्राइव तो मिल गई, बट ये इसे कंप्यूटर में लगा के डायरेक्ट चला नहीं देते हैं। DCP को इसके बाद एक DCP सर्वर में डाला जाता है, और इसके बाद एक KDM रिसीव होता है। KDM यानी की डिजिटल मैसेज। मूवीज जो DCP में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती हैं, यानी कि लॉक्ड होती हैं, और KDM यानी कि एक कोड रिसीव होने के बाद वो अनलॉक होती हैं। अब इसके बाद एक TMS होता है, यानी कि थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम। कहा जाए तो एक तरीके का कंप्यूटर होता है और सारी मूवी को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवी का कोई सीन काटना, फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना और बहुत सारे ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। और इन सब के बाद फिर हमारी मूवी प्रोजेक्टर में जाती है और उसके बाद फिर हमें पर्दे में दिखाई जाती है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि मूवी बनने के बाद किस तरह से थिएटर तक जाती हैं और कैसे पर्दे पर उतरती हैं। और अब बात करते हैं कि जो मूवी टिकट्स हम खरीदते हैं उसका पैसा कहाँ, किसको और कितना जाता है। तो ये चीजें सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों के लिए डिफरेंटली वर्क करती हैं। जैसे कि मूवी लगने के फर्स्ट वीक में सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स में टिकट का 20-30% जो पैसा होता है वो थिएटर को जाता है, और बाकी का 70-80% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर को जाता है। और मल्टीप्लेक्स के फर्स्ट वीक में इसमें 30-40% पैसा मल्टीप्लेक्स को जाता है, और बाकी का 60-70% पैसा अगेन डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए प्रोड्यूसर को जाता है। तो इस प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा पैसा जाता है और उसके बाद बचा पैसा प्रोड्यूसर को जाता है। अगर कोई मूवी एक वीक से ज्यादा टाइम के लिए लगती है तो इनका ये रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मूवी 2 वीक तक चल रही है तो 40-50% पैसा थिएटर को जाता है, और अगर कोई मूवी 3 वीक या उससे ज्यादा चल रही है तो 70-80% पैसा थिएटर को जाता है, और बाकी का 20-30% ही डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को जाता है। यानी कि कोई भी मूवी जितने ज्यादा लंबे टाइम के लिए किसी थिएटर में लगेगी तो उस थिएटर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब कई बार ये होता है कि मूवी का प्रोड्यूसर अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। जैसे कि किसी मूवी को प्रोड्यूसर ने 50 करोड़ में बनाया है और वो उसे डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देता है। तो अब यहाँ पे मूवी के प्रोड्यूसर का काम खत्म। अब मूवी कितनी चल रही है या नहीं चल रही, फायदा करा रही है नुकसान करा रही, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब डिस्ट्रीब्यूटर की टेंशन है कि क्या वो 100 करोड़ से ऊपर बना सकता है या नहीं बना सकता। तो मूवी अगर चलती है या नहीं चलती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा और उसका नुकसान होता है।
तो अब हमें लगता है कि शायद अब आप इस पूरे फंडे को समझ गए होंगे कि मूवी बनने से लेकर थिएटर में लगने तक क्या प्रोसेस होती है और हमारा पैसा कैसे थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। तो यार आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो काम का लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई नो कि छोटे के डाउट कम नहीं होने वाले, इसके दिमाग में से खुरापाती क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। सो वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।